Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Aaj hum log dekhenge chapter 39 ring circular motion, centrifugal force aur centrifugal force. Sabse pehle hum log dekhte hain centrifugal force se pehle hum log dekhte hain circular motion ka concept. Circular motion simple wording agar hum dekhe koi bhi body jo circle mein move karte hai usse hum kehte hain circular motion. The motion of an object in a circular path. किसी भी body का circular path में move करना उसे हम कहते हैं circular motion. Is known as circular motion. For example, motion of the moon around the earth is circular motion. आपको पता है आपका moon है earth के भी revolve करता है तो circular में move करता है ना. ये example है जिसके आप लोगों के पास circular motion. उसके बाद आप लोगों के पास आया था centrifugal force. Centrifugal force question आप लोगों के लिए बहुत important है. तो centrifugal force आप लोगों के पास क्या होती है? कोई भी body है ना ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल पाथ. ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. फॉर एग्जांपल मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स. जो आपका मून है अर्थ के भी सर्कल में क्यों मूव करता है? सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से. इसी तरह दूसरी एग्जांपल आप लोगों के पास अ स्पून टाइड एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रीम रोटेटिंग इन अ सर्कल ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स. बेसिकली आप लोगों के पास ये एग्जांपल बेस्ट है. इसमें एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा. मैं कहता हूं कि मैंने एक स्पून लिया टाइड का मतलब बांध लिया. एक स्पून को मैंने बांध लिया रस्सी के साथ. अब मैंने जैसे ही स्पून को रस्सी के साथ बांधा तो मैं क्या करता हूं उस रस्सी को मैं करता हूं अपने हाथ से करता हूं सर्कल में मूव करवाता हूं. तो ये आप लोगों के पास होगी सेंट्रीपेटल फोर्स. अभी मैंने बताया इसी बॉडी को सर्कल यहां पे डायग्राम लग गया. ये मेरे पास एक स्पून है. मैंने क्या किया इसे टाई कर दिया किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ. मैंने क्या किया इसे टाई कर दिया किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ. अब मैं जैसे ही क्या करूंगा इसे सर्कल में मूव करवाना शुरू करूंगा आप लोगों के पास इसके दो तरह के फोर्सेस हैं. गौर करिएगा यहां पे आप लोगों के पास क्या होगा दो तरह के फोर्स लगेंगे. एक सेंट्रीपेटल फोर्स होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी. किस तरह से इसे हम लोग बाद में देखते हैं. हम लोग देखते हैं कि स्पून इस सर्कल में मूव किस तरह से करता है. मैंने क्या किया सर्कल स्पून को लिया मूव करवाया सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया. इसे एक्सप्लेन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने क्या किया लेट अ बॉडी ऑफ मास एम. आपको पता स्पून का मतलब कोई मास होगा तो मैंने कहा लेट अ बॉडी ऑफ मास एम मूव इन द यूनिफॉर्म स्पीड इन द सर्कल विद रेडियस आर. तो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है उसका मतलब रेडियस भी होगा. एक्सेलरेशन क्या होगा इस पर प्रोड्यूस बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स. कि जब भी कोई बॉडी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से मैंने क्या एक मास एम सेंट्रीपेटल फोर्स लगा इस सेंट्रीपेटल फोर्स लगा योर बॉडी के अंदर मूवमेंट होगी सर्कल में मूवमेंट होगी. और आप लोग जानते हो कि जिस बॉडी पे फोर्स लगता है उसमें आप लोगों का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता ही होता है. तो यहां पे आप लोगों का सबसे पहले क्या आएगा आप लोगों के पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आएगा. तो एसी आप लोगों के पास क्या है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आप लोगों के पास किससे इक्वल है वी स्क्वायर ओवर आर. वी स्क्वायर ओवर आर. अब आप लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है. अगर मैं जनरल लिखूं तो आपके पास क्या है f is equal to m. f is equal to m. लेकिन यहां पे अगर गौर करो बच्चों यहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स शो हो रही है. c की जगह रिजल्ट का सेंट्रीपेटल फोर्स को और ये ac की जगह शो कर रहा है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को किस पे लगा v स्क्वायर ओवर r. अब आप लोगों के पास क्या होता है आप लोगों ने किया इस ac की वैल्यू मैंने पुट कर दी ac में f is equal to m या तो मैंने क्या कहते हैं f is equal to m a c. क्यों यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स यूज हो रहा है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन यूज हो रहा है. मास तो वैसे का वैसे लेगा बॉडी का मास तो m ही रहता है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी इस a में. तो आप लोगों के पास क्या आएगा f c is equal to m वैसे का वैसे तो a c is equal to v square over r. आप लोगों के पास बेसिकली सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया m v square over r. ये तो आपके पास सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला होगा जो एक्सप्लेनेशन होगी. इसी तरह आप सेंट्रीपेटल फोर्स करते हैं. अब सबसे पहले पैसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अगर आप लोगों को याद हो तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों के पास क्या था कि एवरी बॉडी हैव इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन बट ऑपोजिट. कि हर बॉडी का एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है. वो होता है इक्वल है लेकिन क्या होती है ऑपोजिट होती है. अब आप लोगों के पास यहां पे दो तरह की फोर्स लग गई. एक वो फोर्स जो स्पून लगा रही है स्ट्रिंग में और एक वो फोर्स जो स्ट्रिंग लगा रही है
आप लोग जब किसी बॉडी में एक्शन करते हो तो आप लोगों को ना रिएक्शन मिलता है, ये आपको न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन का पता है। एवरी एक्शन इक्वल रिएक्शन बट ऑपोजिट होगा, इक्वल रिएक्शन और एक्शन लेकिन क्या होगा ऑपोजिट होगा। तो सेम ये चीज बताना चाह रहा है कि स्ट्रिंग पे आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास क्या एक्शन है। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में रिएक्शन फोर्स क्या लगती है, सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इट सम एंड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहना चाह रहा है कि जो स्ट्रिंग में आप लोगों के पास रिएक्शन फोर्स लग रही है वो आप लोगों के पास क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यही आप लोगों के पास रहता है जब भी न्यूटन टर्न लॉ ऑफ मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में रिएक्शन फोर्स लगती है जिसे आप लोग कहते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे लगती है स्ट्रिंग पे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे लगती है स्ट्रिंग पे। शुक्रिया।